है कि हम आम जिंदगी जीना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। ऊपर वाले ने हमें सही डायरेक्शन और समाज में वापस आने के संकेत दिए हैं। युवा अगर जा रहा है तो वो हमारी गलती है, समाज की भी गलती है, पुलिस की भी गलती है, मीडिया की भी गलती है। और सिचुएशन और चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे इस साइड में आना पड़ा। और दो तीन रस्में हैं मेरी जो होंगी, 18 से 20 मुकदमे हैं फिलहाल। बंधन में बंधने जा रहे हो संदीप उर्फ काला जठेड़ी के साथ, तो ऐसे में कैसे देखते हैं, क्योंकि इस शादी के लिए काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। पॉजिटिव ही देखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। अगर कोर्ट ने हमें अलाउ किया है, कोर्ट ने अगर ये फैसला किया है कि हम शादी करें, हम गृह प्रवेश करें, तो ऊपर वाले ने हमें सही डायरेक्शन और समाज में वापस आने के संकेत दिए हैं। मैम, अपराध की दुनिया में जाने के बाद लोग जो हैं कहीं ना कहीं वापस लौट नहीं पाते, या फिर ये रास्ता जो है काफ़ी ऐसी दिशा में लेके जाता है जहाँ से मतलब बहुत सारी चीज़ों से बर्बादी देखनी पड़ती है, या चाहे जीवन की बात हो या फिर परिवार की बात हो, क्या कहेंगे? हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है, और लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर दोबारा वापस लौट सकते हैं, लौटेंगे हम। और ये चुनौतीपूर्ण है, और हम उसको भी जैसे बाकी का सफ़र तय किया है, पूरा किया है, तो हम उसको भी हम पूरा करेंगे। मैम, हरियाणा के कौन कौन से रीति रिवाज ऐसे हैं जिसको आप देखते हैं कि हाँ, ये रीति रिवाज जो है 6 घंटे की पैरोल के दौरान जो है कंपलसरी रहेगा, बेहद ज़रूरी रहेगा? वैसे तो काफ़ी सारे रीति रिवाज हैं, लेकिन हमने उनको सबको शॉर्ट कर दिया है समय की वजह से। और दो तीन रस्में हैं मेरी जो होंगी, फेरे और जयमाला। और इसके अलावा दूल्हा दुल्हन के छापे बनाए जाते हैं, मतलब प्रिंट, हाथ के प्रिंट लिए जाते हैं। तो बस ये तीन चीज़ें ही मेन होंगी, इतना ही हमें समय मिलेगा। मैम, अपराध की दुनिया में आज का युवा जो है बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि आप उस दुनिया से लौटकर अब जो है धीरे धीरे सामाजिक जीवन जीना चाहती हैं, और खुद संदीप को भी इस जीवन में आगे की तरफ जो है लेकर आना चाहती हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आज जो है क्राइम भी लगातार बढ़ता जा रहा है, आपने सारा जीवन देखा है। हाँ, युवा अगर जा रहा है तो वो हमारी गलती है, समाज की भी गलती है, पुलिस की भी गलती है, मीडिया की भी गलती है। हम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए घातक है। सोशल मीडिया पे अभी तो पुलिस ने जैसे ये चला रखा है अभियान कि भाई कोई भी वेपन की पिक डाले तो उसको अरेस्ट करो, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पे इतना बैन नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। तो गलती हमारी रहती है, इस वजह से जो यूथ है वो भटक जाता है। आपकी और संदीप की पहली मुलाकात कैसे हुई? मेरी और संदीप की मुलाकात इंदौर में हुई थी, और मैं एक केस में अंडरग्राउंड थी उस दौरान हमारी मुलाकात हुई है। मैम, जिस प्रकार से देखते हैं कि इस शादी को लेकर बहुत सारी सिक्योरिटी भी है, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि आपकी शादी जो है इस टाइम में लोगों के जहन में है, क्योंकि पूरे के पूरे चाहे वो देश दुनिया की बात करें तो हर जगह एक चर्चा है, क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड से निकल कर आप काफ़ी इंटरव्यू ऐसे लगातार आ रहे हैं कि हाँ, आप एक आम जीवन जीना चाहती हैं और संदीप भी जीना चाहता है। हाँ, सही है ये कि हम आम जिंदगी जीना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, और ये पहला स्टेप है। मैम, एक आपराधिक दुनिया से बाहर निकलकर आना आसान नहीं है, लेकिन जो टैग आप पर है, संदीप पर है, क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाए, क्योंकि क्या गैंगस्टर के तौर पर संदीप को कहा जाता है और एक लेडी डॉन के तौर पर आपको जाना जाता है। हाँ, ऐसा है, ये टैग है हम पे, लेकिन और इस दुनिया में लौटना आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ ठान लें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। आप पर लेडी डॉन का टैग लगा, ये कब लगा और कैसे लगा? ये लेडी डॉन का टैग मेरे पे पहला एलिगेशन लगा था, पहला मेरे पे केस हुआ था उसी दौरान, मीडिया की और पुलिस डिपार्टमेंट की देन है, क्योंकि जिस एसपी के पास में मैं शिकायत के लिए गई थी, ये घटना या ये आरोप उसी दौरान लगे, और वही एसपी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सीनियर रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से ये सब मिला है मुझे। आपके ऊपर कौन कौन से मुकदमे दर्ज है और कहाँ कहाँ है? सिर्फ राजस्थान में है। कितने हैं जी?
18 से 20 मुकदमे हैं फिलहाल। MBA गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, अपराध की दुनिया में कैसे आना हुआ, हालांकि आपने बताया भी है, लेकिन उस सफर को अगर बात करें तो आप कहीं दूसरे क्षेत्र में जा सकती थी और बहुत कुछ अच्छा नाम कमा सकती थी, लेकिन अपराध की दलदल में भी हालांकि आपका नाम हुआ लेकिन उससे सुकून नहीं मिला, क्या कहेंगी? दूसरे फील्ड में तब जाती जब हालात मेरे को इजाज़त देते इस बात की, और सिचुएशन और चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे इस साइड में आना पड़ा, तो पॉसिबल कहाँ था कि मैं नॉर्मल फील्ड या और चीज़ों को चुनती। मैं तो नॉर्मल फील्ड से इस फील्ड में आई हूँ, तो नो डाउट उसके पीछे हालात रहे होंगे तभी ऐसा हुआ होगा। मैम आप वकालत की पढ़ाई भी कर रहे हैं, ऐसे में जो है आने वाले टाइम में संदीप के लिए कहीं ना कहीं आप लड़ाई लड़ती नज़र आएंगी या आप सपोर्ट करेंगे एक वकील को, क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करूँगी एडवोकेट को, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, एक फेयर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं और बोल्डली लड़ रहे हैं। और बिल्कुल संदीप मेरे हस्बैंड हैं, तो नो डाउट मैं अपने हस्बैंड को तो सपोर्ट करूँगी हर तरीके से, हर लिहाज से। मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे समाज में संदीप काला जठेड़ी का नाम जो है एक आपराधिक तौर पर लिया जाता है, लेकिन अब ये जो है इस छवि को आप कैसे बदल पाएंगे? हमें कुछ बदलना क्यों है, हमें सिर्फ सच सामने लाना है, बस जो सच है वो सामने लाना है, चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। मैम शायद ही मतलब होता साथ रहना, और संदीप जेड़ में है, उसको कैसे देखते हो? नहीं ज़रूरी नहीं है कि शादी का मतलब ये हो कि आप साथ रहें, जब हालात इजाज़त नहीं देते तो ज़रूरी नहीं कि आप दोनों साथ रहें। ठीक है वो वहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ, हम स्ट्रगल करेंगे अब ना सही, लेकिन कभी हम साथ ज़रूर होंगे। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।